नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलाय नो फॉलो एट्रीब्यूट के बारे में और ये क्या होता है और इसमें क्या नई चेंजेस आए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है कि रिलाय नो फॉलो जो एट्रीब्यूट है वो 15 साल से उन्होंने अपडेट नहीं किया था, लेकिन उसमें अभी दो नए चेंजेस आए हैं। फर्स्ट जो चेंज है वो है रिलाय स्पॉन्सर्ड और सेकंड चेंज है रिलाय यूजीसी। सो अब तक क्या होता था, हम किसी भी पेड लिंक्स के लिए, स्पॉन्सर्ड लिंक्स के लिए या कमेंट लिंक्स के लिए नो फॉलो एट्रीब्यूट यूज करते थे, लेकिन आज गूगल ने दो जो टैग यूज किए हैं, जो एट्रीब्यूट लॉन्च किए हैं जो है रिलाय स्पॉन्सर्ड, वो है पेड लिंक्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट पे किसी भी तरह के पेड लिंक्स है, स्पॉन्सर्ड लिंक्स है, स्पॉन्सर्स के लिंक है, तो वहां पे आप रिलाय स्पॉन्सर्ड यूज कर सकते हैं बैकलिंक्स के अंदर, ताकि गूगल को और अन्य सर्च इंजन को पता चल सके ये जो लिंक है आपकी ये स्पॉन्सर्ड लिंक है। सिमिलरली अगर आपके वेबसाइट पे यूजर जनरेटेड कंटेंट है, जैसे कमेंट्स है या प्रोडक्ट के रिव्यूज है जो यूजर ने दिए हुए, तो वहां पे जो भी लिंक्स होती है वहां पे आप यूजीसी यूज कर सकते हैं, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो वहां पे आप अगर रिलाय यूजीसी यूज करेंगे तो गूगल को इजीली पता चलेगा, तो यूजर को इजीली पता चलेगा ये जो कंटेंट है ये यूजर जनरेटेड है, और अगर आप स्पॉन्सर यूज करेंगे तो गूगल को इजीली पता चलेगा कि जो लिंक्स है पेड लिंक्स है, स्पॉन्सर लिंक्स है, और इसके वजह से आपकी जो वेबसाइट का एसईओ है उसमें गूगल को हेल्प होगी बेटर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने में। सो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।